सो so, हमारे पास क्या रह गया हुकूमत के पास रह गया क्या रह गया हुकूमत के पास कुछ भी नहीं रहा और हुकूमत किसी को कुछ भी नहीं दे सकती हम चीज़ों को बहुत ही अजीब वरीब तरीके से ट्रीट करते हैं अपनी अपनी तरबियत होती है अपनी अपनी तालीम होती है देखें बात सुने ये बरदर कलाम बड़ा भाई झुक के जूतों को हाथ ये सारा ठीक है जज पर कोई आ, कोई शिकायत नहीं आई किसी पर कोई दबाव ही नहीं है जो बंदा ये बात करे जो इसको रऊफ हसन साहब ने कहा कि इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता सो so, हम सिर्फ एक परसेंट ऑफ द वैल्यू पे जो है वो इसको बेच रहे हैं सही मानो में वो जो बात होती है ना दैट कांट बी टैगर्सूजर सीरियसली यार दिल दुखता है I mean, आस... है आई मीन वाज लॉस्ट ग्राउंड बस ठीक इक्वल्स अब पाकिस्तान की कोई एक इंडस्ट्री बत... बनाओ हाँ. एक इंडस्ट्री बताओ जिनमें स्प्लिट ना हुआ तो इनके लिए तो ये भी इंडस्ट्री है

पाकिस्तानी जनरली जैसे कहते हैं ना अपनी एक रेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं हर मुल्क के साथ पंगा ले लो लेकिन सऊदी अरब के साथ पंगा ना लेना नमस्कार दोस्तों जय हिंद आज से कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में पाँच अरब डॉलर का निवेश करने जा रहा है हालांकि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया भीख मांगने गया था लेकिन सऊदी अरेबिया ने साफ मना कर दिया और कहा कि अब हम आपको ऐसे भीख नहीं देंगे आप हर साल भीख मांगने पहुँच जाते हैं आपकी हालत कभी नहीं सुधरती आप कोई हमें प्रोजेक्ट लेकर आइए हम उसमें निवेश करेंगे उसके बाद पाकिस्तान ने ऐलान किया था की सऊदी ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया उस वक्त पाकिस्तान बहुत जस्त मना रहे थे की सऊदी से इन्वेस्टमेंट आई है आज वही पाकिस्तानी की खुशियाँ माता में बदल गयी खबर ये आई है की पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद जिससे पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती थी अगर पाकिस्तान अपना उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देता तो साल भर में पाकिस्तान की इकोनॉमी ट्रैक पर आ जाता उसे भी पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को बेच दिया चाइना के बाद अब सऊदी अरेबिया ने भी पाकिस्तान के मजबूरी का फायदा उठा लिया कुछ बिलियंस के लिए ट्रिलियंस का नुकसान पाकिस्तान ने कर लिया अपना दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा सोने की खदान रेकोडिक को पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को बेच दिया इस खबर के बाद ऐसी ही पाकिस्तान में लोग मातम बना रहे हैं बलूचिस्तान में मौजूद इस खदान को लेकर बलूचिस्तान में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं एक वक्त था जब भारत को सोने के कहा जाता था। उसका एक ये का सिर्फ एक स्टेट पूरे पाकिस्तान से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करता है हम भारत के एक स्टेट से मुकाबला नहीं कर सकते हैं और बात करते हैं भारत से आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं और सऊदी अरेबिया एक ऐसा मैटर है और सऊदी अरेबिया एक ऐसा इशू है पे पाकिस्तानीज़ जनरली जैसे कहते हैं ना अपनी एक रेड लाइन draw कर देते हैं वी जनरली डोंट पाकिस्तान में सऊदी इज़ अ बा ट्राई ट्राई पार्टिज़ आन इशू तमाम पार्टियाँ एक पेज पे होती हैं हर मुल्क के साथ पंगा ले लो लेकिन सऊदी अरब के साथ पंगा ना लेना जहर उसकी एक वजह तो ये है दैट यू रियली डोंट वॉन्ट टू तो बी इन द बैड बुस ऑफ सऊदी अरेबिया और सऊदी अरब आप जानते हैं अपने आप को सियासी तौर से और रूहानी तौर से कहते हैं कि इस मुस्लिम उम्मा का लीडर समझता है शायद मालिक और ना मानते हो लेकिन क्योंकि हरमैन शरीफ हैं, उनके पास हैं जो हमारे मुकदस तरीन मकामत हैं दो वो सऊदी अरब आ, उनकी खिदमत करता है या उन और यही सऊदी अपने आप को अभी भी खलीफा समझते हैं इनके खिलाफ जाना ज़रा मसला होता है जो आर बिजनस मैन वो कारोबारी लोग हैं अब वो वाली बात कि जी मुस्लिम उम्मा की सरबुलंदी के लिए एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए वो वाली कहानी और वैसे शेर बन गया ये भी यार आई एम सॉरी इकबाल और मैंने ये बोला कि हम अपने नेशनल एसेट्स पीनट्स की मैनी उसको हम बहुत ही सस्ता बेच रहे हैं उसमें जाहिर है रेकोडेक की मैं बात कर रहा हूँ रेकोडक पाकिस्तान के लिए सही मानों में गेम चेंजर था आ, कभी कभार बड़ा अफसोस होता है कि काश मुशरफ साहब यहाँ पिछले हफ्ते भी इसका हमने रोना रोया था कि इफ्तार चौधरी एक जो शर्मी वाला काम करके चला गया था उसने रेकोडेक की पूरी डील जो है वो आ, इसको डी कर दिया था और सुनने में ये आ रहा है दैट दैट दे आर गेटिंग जस्ट बिलियन डॉलर फॉर कहते हैं ये हैं ये ये रफ एस्टिमेट्स कि सऊदी अरेबिया इस वन बिलियन डॉलर के अगेंस्ट समवेयर क्लोज टू वन हंड्रेड बिलियन डॉलर जो है वो बना रहा होगा ओवर टू इयर्स एंड में भी यही हुआ चाइनीज हमें लूट के चले गए अब सऊदीज जो हैं वो ये वाली काम करने वाले हैं कब तक सब एक से बड़े एक उल्लू मिले इस घर को इस मुल्क को चलाने के लिए घर ही है जाहिर है और अब आप देखिए कि अब सऊदी से आप कान बैक आउट ऑफ दिस डील नाउ बिकॉज इफ वी बैक आउट ऑफ दिस डील तो आपको तो पता है कि सऊदीज हमारा जो है ना वो क्या करेंगे हाल सो अल्लाह तो रहम करे यार क्या करें बड़ा तो अफसोस होता है भाई इस मुल्क के साथ आई एम वेरी सॉरी यार अमूमन आज से तकरीबन पाँच से छह दिन पहले सऊदिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए थे फैसल बिन फरहाद अल सऊद और उनकी आ, मीटिंग जो थी वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ हुई थी पाकिस्तान ने जब सऊदी अरेबिया को बोला कि भैया हमारा आपके साथ इस्लाम का रिश्ता है और हम आपके मुस्लिम ब्रदर हैं ज़रा इधर नज़रसानी करिए जरा इधर देखिए बड़ी बदहाली का शिकार है हम बड़े हमारे अंदर यहाँ पर मुल्क के अंदर क्राइसिस आए हुए हैं तो जरा इन्वेस्टमेंट और पैसा लेके आ जाइए ना तो सो फो, फौरन ही सऊदी अरेबिया ने रिप्लाई दिया कि भैया आपके साथ जो भी रिश्ता हो पैसा तो हम अपना ज़ाया करने से रहे हमारे सामने कोई प्रोजेक्ट लेकर आओ कोई मंसूबा लेकर आओ जिसको हम देखें हमें पता चले कि हमारा पैसा जो है वो हराम नहीं जाएगा कुछ इस तरीके से सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को कहा लेकिन उसके बाद हमने देखा कि सऊदी अरेबिया की जानब से एक स्टेटमेंट आती है और वो बड़ी शॉकिंग स्टेटमेंट थी मेरे लिए कि सऊदी अरेबिया ने बोला कि हम अपने पाँच बिलियन डॉलर लेकर पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं तो उस वक्त तो आ, ये नहीं बताया गया था कि क्या कंडीशन है क्या रूल्स है क्या रेगुलेशन है क्योंकि अक्सर जब पाकिस्तान किसी से कर्जा लेता है जैसे कि हम आई का प्लान लेते हैं तो आई की बड़ी कड़ी शराब होती है सऊदी अरेबिया को, को जो है वो बेच देंगे और इसमें जो आवाम का रिएक्शन जा रहा है वो तो बहुत बुरा आवाम का रिएक्शन जा रहा है कि भाई पहले हमारे एयरपोर्ट गिरवी रख दिए बेच दिए बंदरगाहें गिरवी रख दी है और अब जो माइन बलोचिस्तान और बलोचिस्तान के लोग इससे बड़े ना खुश है अब तो पाकिस्तानी बिजनेसमैनों ने शोर डालना शुरू कर दिया है और अगले दिन एक एक पाकिस्तान के टीवी जीओ टीवी जियो पे तबसरा हो रहा था जिसमें पाकिस्तान के सारे बड़े ताजर बैठे और उन्होंने जो चीखना और चिल्लाना ये शुरू कर दिया कि भारत की एक स्टेट जो है वो पूरे पाकिस्तान से ज्यादा टैक्सेस देती है फॉर एग्जांपल आप सिर्फ महाराष्ट्र ही को देख लें ठीक है जनाब या आप सिर्फ यूपी की पोजिशन को देख लें वो कहां पर टैक्स देते हैं और हम कहां पर टैक्स देते हैं पाकिस्तानी जो टैक्सेशन सिस्टम है ये कहा जाता है कि ये इनफेक्टिव है अनफेयर है फ्रेगमेंटेड है आप सिर्फ इतना अंदाजा लगा लें कि 14,500 हजार पांच सौ का हमारा टोटल बजट है और हमारी टोटल जो आमदन है वो सात हजार से आठ हजार अरब के करीब है सो एट ट्रिलियन के अराउंड आमदन है सात ट्रिलियन के अब अराउंड और 14.5 ट्रिलियन का टोटल बजट है तो आप अंदाजा लगा लें जो बाकी आपको सात साढ़े सात ट्रिलियन रूपीज का बजट डेफिसिट है है वो कहां से पूरा करना जैसा कि आपने देख ही लिया पाकिस्तान धीरे धीरे पूरा पाकिस्तान बेच रहा है अपने सारे एसेट्स को बेच रहा है चाहे वो सड़क हो पोर्ट्स हो चाहे वो एयरलाइंस हो सब कुछ पाकिस्तान धीरे धीरे बाहर के देशों को बेच रहा है अब सोने की खदान भी बेच दिया ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर हो सकता था अब वो भी सऊदी के हवाले कर दिया आज पाकिस्तान की भारत से अच्छे रिलेशन होते और पीओके पाकिस्तान भारत को लौटा देता तो भारत खुद पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता उससे की हालत सुधर जाती। लेकिन पाकिस्तान की फौज और पॉलिटिकल पार्टी का भला नहीं चाहती इनको से कोई मतलब नहीं है बस इनको से डॉलर कमाना है और सऊदी और यूके में इनको सेटल्ड हो जाना है पाकिस्तान आज भी अंग्रेजों का गुलाम बना हुआ है और लगता नहीं है पाकिस्तान की हालत सुधरने वाली है खराब जरूर हो सकती है आपको इसके बारे में क्या कहना है आप नीचे हमें कमेंट करके बताए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें